हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए ग्रेड मैथ्स। आज के हमारे इस सेक्शन में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 2। ये जो पूरी एक्सरसाइज है मैंने आपको जैसे कि बताया था, ये हमारी पूरी एक्सरसाइज है। दैट एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन दी वन फॉर्मूला, और वो फॉर्मूला आप देख सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है, ये फॉर्मूला के बेस पे ही हम हमारी पूरी एक्सरसाइज है वो करने वाले। तो ये फॉर्मूला है, उसका एक्सप्लेनेशन देखना बहुत जरूरी है। ये फॉर्मूला का एक्सप्लेनेशन देखे बिना अगर आप ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएंगी, या तो कुछ ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आपको समझ में आएंगे नहीं। तो इसके लिए मेरा ये वीडियो है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो ये फॉर्मूला से रिलेटेड है। तो वो वीडियो जरूर देखिएगा और उसके बाद ही आप जो कर रहे हैं अपने एक्सरसाइज उसका सॉल्यूशन कीजिएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है चूज दी, यहाँ पे आपको चूज दी करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ की क्वेश्चन दी है, उसके नीचे कुछ ऑप्शन दिए है और उसमें से हमें एक करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, उसका फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन। तो उसका फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या है? 13th टर्म ऑफ द एपी 1074 इज, वो क्या है यहाँ पे 13th नंबर की एपी? तो हमने यहाँ पे हमारा फॉर्मूला का एक्सप्लेनेशन देखा है तो आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है, आइए देखते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन क्या दिया है? तो क्वेश्चन में आपको एक एपी दी है, उसके ऊपर से सबसे आपको सबसे पहले वैल्यू मिलेगी ए। ए यानी आपका फर्स्ट टर्म कौन सा है? 10। देन आपको वैल्यू मिलेगी डी। डी यानी कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड करते हैं? ए टू माइनस ए वन। ए वन क्या है, ए टू क्या है, वो सब आपको फॉर्मूला का जो एक्सप्लेनेशन है उसमें आपको उन सब की डिटेल्स मिलेगी, तो वो देखना बिल्कुल ना भूले। तो यहाँ पे हो जाएगा 7 माइनस 10 यानी आंसर आएगा माइनस में -3। देन आपको यहाँ पे दिया है कि इज 13th टर्म ऑफ एपी, 13th टर्म 13 नंबर की टर्म, तो नंबर की बात आई है तो 30 हो जाएगा, एन इज इक्वल टू 30। तो फाइंड क्या करना है, ए एन और एन कैसे फाइंड करना है, उन दोनों के बीच का डिफरेंस है। कौन से नंबर को एन बोलेंगे, कौन से नंबर को ए एन बोले है, इसका मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेनेशन दिया है मेरे उस वीडियो में जिसमें मैंने यहाँ पे फॉर्मूला का एक्सप्लेनेशन दिया है। तो अगर वो नहीं देखेंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, तो वो वीडियो बिल्कुल देखे तो आप ये इजीली समझ पाएंगे। अब जिसने देखा है वो वीडियो उसको पता है आगे क्या करना है, वो सब जानते हैं कि आगे का क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। चलो ए एन तो हमें फाइंड करना है, सो देयरफॉर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ ए 10 प्लस वैल्यू ऑफ एन 30 माइनस 1, वैल्यू ऑफ डी -3 इज इक्वल टू 10 प्लस 30 माइनस 1 29 into -3। तो इज इक्वल टू 10 प्लस, यहाँ पे प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पे कर देते हैं 10 माइनस 29 3 कितना होता है, तो 29 3 9 3 27, 7 carry 2, 3 2 6 7 8, तो होता है -87। तो यहाँ पे 10 माइनस 87 यहाँ पे क्या होने वाला है, तो 10 माइनस 87 क्या होता है -77। तो यहाँ पे आपको जो टेक्स्ट बुक में MCQ टाइप का क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 2 में चूज दी करेक्ट ऑप्शन, उसमें आपका जो ऑप्शन है -77 वो ऑप्शन आपको दिया है सी। ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिए, उसमें सी नंबर पे आपको ऑप्शन मिला है -77 एंड दैट इज द योर करेक्ट आंसर। सेम वे उसी का सेकंड नंबर देख लेते हैं। सेकंड नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है, तो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है 11th टर्म, हमें क्या करना है 11th टर्म फाइंड करना है। क्वेश्चन वहां पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, तो सेकंड नंबर सॉल्यूशन देख लेते हैं। 11th टर्म ऑफ द एपी, फर्स्ट ऑफ ऑल एपी दिया है, ए इज इक्वल टू -3, डी इज इक्वल टू -1/2 -3, -1/2 -3 हो जाएगा +3। इसका यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन 3 2 6, -1 + 6/2, -+ -6 -1 5, साइन ऑफ बिगर नंबर, सो 5/2। उसके बाद 11th टर्म, नाउ वी हैव टू फाइंड 11th टर्म, सो एन इज इक्वल टू 11, ए एन इज इक्वल टू ? लेट अस राइट द फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। लेट अस पुट द वैल्यू, ए इज इक्वल टू -3 प्लस एन इज इक्वल टू 11 - 1, डी इज इक्वल टू 5/2, -3 + 11 - 1, 10 into 5/2, 2 5s are
10 माइनस 3 प्लस 5 5 इज 25 सो इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस 25 माइनस 3 25 माइनस 3 22 साइन ऑफ बिगर नंबर प्लस तो आपको सेकंड नंबर में जो ऑप्शन दिए हैं उसमें ए बी सी डी उसमें से बी नंबर में आपको ऑप्शन मिला है 22 तो यहाँ पे सेकंड नंबर का आंसर क्या हो जाएगा 22 तो दिस इज द सिंपल सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 उसके दोनों सब मैं यहाँ पे आपको कोई ये करना है वे करना है वैसे कुछ भी बताना नहीं चाहती मुझे सिंपल आपको यहाँ पे जो नॉलेज शेयर करना है और आप लॉकडाउन में अपनी पढ़े बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट और अच्छे से कर पाएंगे वो कर पाए उसी की वजह से यहाँ पे हम यूट्यूब पे आए हैं और यहाँ पे अपना नॉलेज शेयर करें तो आपको हमारा नॉलेज अगर अच्छा लग रहा है आप चाहते हैं कि बिल्कुल कुछ ऐसे वैसे बातें ना हो सीधा आपको नॉलेज मिले तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें मेरे वीडियोज को लाइक करें और इस चैनल को अपना सपोर्ट दें सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की अपडेट मिलती रहे तो अगर आपको अच्छा लग रहा है ये चैनल आपको डायरेक्ट नॉलेज चाहिए तो मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।